व्यूअर्स, आज हम जो टॉपिक पर बात करेंगे, साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा उसमें जो हम बात करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप सभी से वो जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ये जो सीरीज़ अब स्टार्ट हो रही है, अगर आप इसको देखते हैं तो आई एम श्योर कि आप कह सकते हैं दैट यू आर अ कम्प्लीट नॉलेजेबल मैन, क्योंकि उसमें ये होगा जो बेसिक नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी उससे आप आने वाली जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी आप उनको आराम से अपने आप बिना किसी मदद के सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के अलावा जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे मैं उसके बारे में भी आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि इस सीरीज़ में हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। और जो भी हम टॉपिक को कवर करेंगे उसकी प्रॉपर ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, जिससे कि आप एक सक्षम और नॉलेजेबल पर्सन बने और अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर पाए। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइट पर आपकी, कि कैसी डाइट होनी चाहिए, कितनी डाइट होनी चाहिए। उसके अलावा जो एनीमिया होता है, एनीमिया क्यों होता है वो आप जानते ही हैं कि मोस्टली जो युवा हैं वो तो खाना ही नहीं खाते, तो दो बार खाना खा रहे हैं मोस्टली, तो इसलिए एनीमिया की समस्या उनके सामने सबसे बड़ी है। किशोरावस्था क्या होती है, जो एडोलेसेंट एज होती है उसमें आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। फिर माहवारी है, फिर पेरेंट्स जब बनते हैं युवा तो क्या वो खुद बन जाते हैं या फिर सोच समझ कर बनते हैं, इसका एक टॉपिक का नाम भी दिया गया है कि स्वेच्छा से माता पिता बनना या कि संयोग से। फिर है गर्भनिरोधक विधियाँ क्या क्या होती हैं, कॉन्डम्स के लिए जो भ्रांतियाँ हैं वो क्या हैं और उनका सच क्या है वो भी हम आपको उसमें बताएंगे। फिर है कि गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जो लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं वो क्या हैं उन पर चर्चा करेंगे और उनका सच क्या है उस बारे में भी हम बात करेंगे। फिर गर्भनिरोधक इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं आज के समय में, तो वो कैसे यूज़ किए जाते हैं और क्या है उनका वो उस बारे में हम बात करेंगे। पुरुष नसबंदी क्या होती है, कैसे होती है और ये कब कराई जाती है और इससे जुड़ी हुई क्या भ्रांतियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसकी पॉजिटिविटी के बारे में भी बात करेंगे। फिर महिला नसबंदी क्या होती है इस पर भी बात करेंगे, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सुरक्षित मातृत्व क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रजनन अंगों पर जो संक्रमण हो जाता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसका कहाँ से हमें इलाज मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से इलाज मिलेगा, इस पर बात करेंगे। फिर आता है यौन रोग और HIV एड्स, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ इसका कहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट है, कहाँ हमें इसके लिए जाना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। फिर ये सारी प्रॉब्लम्स अगर में से कोई सी भी अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमें स्वास्थ्य सेवाएँ कहाँ से मिलेंगी, तो इन सभी पर हम धीरे धीरे एक एक करके वन बाय वन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बीच में कभी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होगा तो वो भी हम अपलोड करेंगे, जो आप लोग हमें कमेंट ऑप्शन में कमेंट लेकर अपनी जो प्रॉब्लम्स बताते हैं वो कंटिन्यूशन में चलते रहेंगे। लेकिन ये जो सीरीज़ हमारी रहेगी ये अलग रहेगी और ये आपके लिए लगातार अपलोड होती रहेगी। तो आज का जो हमारा मुद्दा रहेगा वो है नशीले पदार्थों पर। अब नशीले पदार्थों की अगर हम बात करें और आप ऐसे उनमें से एक हैं जो या तो फिर गुटखा खाते हैं या बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या फिर कुछ और खाते हैं, चाहे उसमें तंबाकू हो या कुछ और, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अगर आपको कुछ बात समझाऊंगा तो एकदम से आपकी समझ में आएगी, क्योंकि मैं तो आपके एंटी व्यक्ति हो गया तो आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर देखा होगा आपने कि सबसे उसका जो सबसे बड़ा एरिया होता है उस पर तो बहुत बड़ी पिक्चर लगी होती है माउथ अल्सर्स की, माउथ कैंसर्स की, लेकिन उसके बावजूद भी हम तो उसे नहीं देखते, बल्कि हम तो उसे खा लेते हैं, बल्कि नज़र तक नहीं डालते कभी उस पर। जो गुटखा खरीदते हैं वो ब्रांड तो देखते हैं, उसका नाम तो देखते हैं, लेकिन उस पर तस्वीर क्या बनी है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है कि आप सबसे पहले तस्वीर देखें और उससे डरें और उसके बाद उसको खाना छोड़ दें। बट इस पर तो बात करना बेकार, बट हम यहाँ पर आज ये बात करेंगे कि अगर आप उसे खाते हैं और या फिर आप कोई भी चीज़ लेते हैं, पीते हैं, तो फिर इन चीज़ों से हम कैसे बचें या फिर इसका क्या समाधान है हमारे लिए, तो इन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं कि नशे के दुष्प्रभावों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला होता है शरीर पर दिखने वाले प्रभाव, दूसरा होता है व्यवहार संबंधी और तीसरा होता है जीवन और परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव।
अब देखिए, शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव तो ये होते हैं कि वो व्यक्ति की अपेयरेंस थोड़ी सी अलग होती है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल सबकी अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है अगर कोई एडिक्टेड व्यक्ति होता है तब। लेकिन नॉर्मली जब हम देखते हैं जो लोग नॉर्मल तंबाकू खाते हैं या फिर गुटखे का यूज़ करते हैं, नॉर्मल सिगरेट पीते हैं, तो उनमें सिम्टम्स एकदम से तो सामने नहीं दिख सकते, बट उनमें जो इंटरनल जो उनका माउथ की जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो ये जब माउथ में उनको कोई प्रॉब्लम होती है, दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो डेंटिस्ट के पास आते हैं। डेंटिस्ट के पास जब आते हैं तो वहाँ से फिर रेफ़र किया जाता है उनको ईएनटी के डिपार्टमेंट में, तो वहाँ से फिर कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं, कुछ चीज़ें डेंटल में आइडेंटिफाई होती हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि अब कुछ शुरुआत हो रही है। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि दुष्परिणाम या फिर कुछ प्रभाव दिखें तभी हम प्रिकॉशन लें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि मैं ये चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जो आप देख रहे हैं, एक मेरे पास चार्ट है, ये पिछली साल सब जगह लगवाया गया था हॉस्पिटल की तरफ से भी, और इसमें ये लिखा है कि तंबाकू की लत या फिर संतान का सुख, और इसमें ये क्लियर लिखा है, मैं इसको स्क्रीन पर भी चाहूँगा कि दिखाया जाए। इसमें लिखा है कि तंबाकू की लत या संतान का सुख, और अगर आप कोई भी मादक पदार्थ यूज़ करते हैं या सिगरेट पीते हैं तो असामान्य शुक्राणुओं की समस्या हो सकती है आपको, यानी इनफर्टिलिटी, आगे आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने में आपको दिक्कत हो सकती है, शुक्राणुओं की संख्या घटना, जो आज के समय में मोस्टली देखा जाता है कपल्स में, युवाओं में, कि जो बेबी कंसीव नहीं होता है और उसके लिए वो लंबा लंबा ट्रीटमेंट लेते हैं और ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं। तंबाकू या कोई भी चीज़ ऐसा गुटखा ना सेवन करने वालों की तुलना में तंबाकू सेवन करने वालों में नपुंसक होने की संभावना करीब 85% अधिक होती है। तो दिस इज़ द मेजर इश्यू कि अगर आप इस बात पर यकीन करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको छपवाया है और उसका लोगो भी यहाँ पर बना हुआ है, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है हमारे देश का उसका भी लोगो यहाँ पर है, और ये कोई गलत बात यहाँ पर नहीं बताई जा रही है बल्कि ये सच बात है। तो अगर आप एक युवा हैं तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं आगे, तो आगे इनफर्टिलिटी की समस्या आपके साथ ना हो, आगे जाके आपको इनफर्टिलिटी का शिकार ना होना पड़े कि जिसके लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कोई आसान ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है अगर इसको आगे जाके कराते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 1 रुपए का गुटखा खाने से या फिर कुछ रुपए की तंबाकू का इस्तेमाल करने से आगे चल के हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो शारीरिक भी है और आर्थिक भी है। अब जो नेक्स्ट हम लेते हैं कि व्यवहार संबंधी प्रभाव, व्यवहार संबंधी जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो थोड़े से एग्रेसिव बंदे हो जाते हैं, दूसरे प्रभाव भी शरीर में आते हैं। लेकिन मामला यहाँ पर ये है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में होंगे या किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो इट्स नेचुरल कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि आप उससे बाहर भी जाना चाहेंगे और आप उससे निकल भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति आपके सामने ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों के बारे में अभी से सोचें। दूसरा है जीवन पर या परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जीवन पर और परिवार पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। बेसिकली जब हमारे पास लोग आते हैं और जब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आप जो भी मादक पदार्थ यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं, उनके पॉजिटिव रिस्पांस देखिए, वो कहते हैं इससे हमें एनर्जी महसूस होती है, और कुछ ने तो ये भी कहा है कि खाओ गगन रहो मगन, और एक ने बोला था मेरे को आके कि जब मैं इसको गुटखा खा लेता हूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आती, मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूँ, ड्राइवर था वो। कुछ लोग बताते हैं कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं जब हम कुछ भी ऐसा खा लेते हैं, हमें दिन भर भूख नहीं लगती। अब इन्हीं सब चीज़ों पर अगर हम बात करें, छोटी सी बात को मैं ले लूँ लास्ट वाली, कि इसको खाने के बाद हमें भूख नहीं लगती। भूख जब नहीं लगेगी तो अल्टीमेटली आप खाना नहीं समय पर खाएंगे, जब खाना ना आप समय पर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली शरीर वीक होने लगेगा, और जितनी ऊर्जा शरीर को चाहिए वो आप शरीर को ऊर्जा देंगे नहीं, और अल्टीमेटली वेट कम होने लगेगा और धीरे धीरे फिजिकल वीकनेस होने लगेगी,
और उसके बाद जो इन सब चीज़ों को खाने के बाद जो एक शुरुआत होती है बीमारी की, जिसे हम कैंसर कहते हैं, उसकी भी स्टार्टिंग धीरे धीरे कुछ सालों के बाद हो जाती है। तो अगर वो हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? तो क्या मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि अगर ये प्रॉब्लम आपको हो गई तो क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन से हॉस्पिटल में दिखाना है और कितने महंगे हॉस्पिटल में दिखाना है, कितना पैसा आपके पास इकट्ठा है जो आप खर्च करेंगे अपने इलाज पर, और क्या आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जो आपके पास इतना पैसा है इतना खर्च करने के लिए इसके ऊपर, इसके इलाज में, ट्रीटमेंट में? क्योंकि ये तो श्योर है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसका ट्रीटमेंट कोई सस्ता और आसान नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप परिवार में पुत्र हैं, अगर आप परिवार में बड़े हैं, तो समझ लीजिए कि आपको बचाने के लिए परिवार हर संभव कोशिश करेगा कि हम आप पर कितना भी पैसा खर्च हो जाए हम आपको बीमारी से बाहर लेकर आए। और उसके लिए जो भी जमा पूंजी घर में होगी, जितना भी पैसा जो आपने अपनी फैमिली के लिए, वेलफेयर के लिए बचा के रखा होगा, वो सब उस बीमारी को ठीक करने में लग जाएगा और आप कई साल पीछे चले जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए आप आज से ये सोचिए कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तब आप क्या करेंगे, कहाँ से पैसा लेकर आएंगे, कहाँ से उसको अरेंज करेंगे, किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे। तो जब तक आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप ये सोच सकते हैं कि आपको गुटखा या कोई भी मादक पदार्थ छोड़ना भी है। क्योंकि आज के समय में आपको तो ये लगता है कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ, जैसे सब हैं वैसा मैं ही हूँ, और मैं इन चीज़ों को खाकर बल्कि और एनर्जेटिक और बहुत चुस्त महसूस करता हूँ। वो बात ठीक है, आपको हो सकता है ऐसा महसूस होता हो और होता होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि आने वाले समय में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप उसका कैसे सामना करेंगे, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर नेक्स्ट है कि इसमें हमारा जो टॉपिक कि किशोरावस्था में नशीले पदार्थों का सेवन शुरू करने के मुख्य कारण क्या होते हैं। उसमें तो सबसे पहला जो कारण होता है वो पीयर प्रेशर होता है। पीयर का मतलब होता है जो हमारे साथ में हमारे दोस्त होते हैं, वो हमें इनिशिएटिव लेने के लिए प्रेरित करते हैं और प्रेशर डालते हैं कि अरे नहीं करके देख, अरे नहीं इस्तेमाल करके देख, अरे। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। तो अगर आप एक युवा हैं तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके ऐसे दोस्त हैं तो आप उन्हें मना करें, और इस परिदृश्य में सोचें अपने भविष्य के बारे में कि अगर आपने इसको एक बार लिया तो आप फिर इसको छोड़ नहीं पाएंगे, और फिर आप कहां पर इसका ट्रीटमेंट लेंगे, कैसे इसको छोड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, कौन आपकी मदद करेगा, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा ये है कि जो किशोरावस्था होती है बहुत डेयरिंग एज होती है, इसमें रिस्क लेने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और जिज्ञासाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई भी नई चीज़ करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, इन सब के बारे में युवा बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं और हर चीज़ को इस्तेमाल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आप बहुत सारे दूसरे काम हैं जिनमें आप अपीयरेंस कर सकते हैं, उनको कोशिश करिए, बट इसमें इसको ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दूसरा है आगे, नशीले पदार्थ लेने से क्या नुकसान होता है। एक तो नुकसान मैंने अभी आपको बताया जो सबसे बड़ा है युवाओं के लिए, कि ये आपको नपुंसक भी बना सकता है। अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आप फिर इम्पोटेंसी के भी शिकार हो सकते हैं। इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है, लिंग में तनाव ना आना और दूसरी समस्याएं भी होना, साथ ही साथ स्ट्रेस की समस्या का भी बढ़ना और डिप्रेशन में भी चले जाना, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस तरीके की किसी भी चीज़ को इस्तेमाल ना करें जिससे कि ऐसी स्थिति में आप आ जाएं कि उसका ट्रीटमेंट लेना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो। वैसे तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में बात करें कि इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं, बहुत ही सिंपल है कि लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, माउथ का अल्सर हो सकता है, माउथ में कैंसर हो सकता है, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, और नाखून आपके ख़राब हो सकते हैं, RBC कम हो सकता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और साथ ही साथ जो शुक्राणुओं की संख्या इसमें जो लिखी हुई थी अभी हमने आपको दिखाई, वो तो है ही है कि ये प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है।
अब बात आती है कि नशीले पदार्थों से बचना कैसे है। देखिए, बचने के लिए तो सबसे पहले तो जो कंपनी उसको बनाती है वही उस पर बहुत बड़ा लोगो लगाती है, लेकिन उसको भी आप नहीं देखते तो किसी दूसरे की बात आपको क्या समझ में आएगी। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ आपको बचना है और बचना चाहिए, तो उसका तरीका सिंपल सा यही है कि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनसे उस समय पर मत मिलिए जिस समय वो पीते खाते हैं, बाकी समय पर उनसे बहुत हेल्दी रिलेशन रखिए। या फिर जहाँ पर जो भी आपके घर में परिवार में अगर कोई ऐसा है जो जब गैदरिंग होती है इकट्ठे होते हैं तब लोग शेयरिंग करते हैं इन सब चीज़ों की, तो आप उनको मना करिए कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मैंने छोड़ दी है और प्लीज़ मुझे अब इसके लिए प्रेशराइज ना करें या पूछें नहीं। जब आप थोड़ा सा सख्ती से कहेंगे तो फिर उन लोगों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा और वहाँ से भी आप उनसे बच सकते हैं। बाकी चीज़ें कैसे कंडीशन को मैनेज करना है ये कुछ तो आपको भी प्लान करना होगा, सोचना होगा कि मुझे किस तरीके से इन सब चीज़ों को छोड़ना है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि जो हुक्का बार्स भी आजकल स्टार्ट हुए हैं और युवा ये सोचते हैं कि हुक्का जिसमें कि पानी का इस्तेमाल भी होता है उससे जब निकल कर धुआं आता है तो वो इतना हार्मफुल हमारे लिए नहीं होता, ये गलत सोच है। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसा इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि उसका कोई नुकसान नहीं होगा लंग्स पे, उसका भी उतना ही लंग्स पे नुकसान है जितना कि आप नॉर्मली उसको इस्तेमाल करके पीते हैं। तो इसको भी आप अगर करते हैं तो इसको अवॉइड करिए, क्योंकि ये आगे चल के और गंभीर परिणामों में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे एडिक्शंस भी आपको लग जाएंगे, फिर आप उनसे छूट नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि अगर आपको नशे की आदत हो गई है, किसी भी तरीके की नशे की आदत हो गई है, तो फिर आप कहाँ जाएं। आपने देखा होगा कि नशा मुक्ति केंद्र भी बने होते हैं, बहुत सारी जगह पर होते हैं और उनमें बहुत बड़ा खर्चा भी होता है। कहीं कहीं पर तो मतलब इतना खर्चा है कि मैं कहूँगा कि एक कॉमन मैन तो उसे बियर भी नहीं कर पाएगा। जो अच्छी फैमिली, बहुत रिच फैमिली के लोग होते हैं वो वहाँ रहकर अपना नशा छुड़वा सकते हैं, लेकिन एक सामान्य आदमी वहाँ पर नहीं रह पाएगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि आप इसको छोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट मिल जाए और मैं इससे मेरा पीछा छूट जाए, तो एक बहुत अच्छी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है जहां आप आसानी से जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और जो अच्छी जगह है जहां पर आप आसानी से जा सकते हैं वो है आपके नज़दीक का जिला अस्पताल। आपके नज़दीक जो भी जिला अस्पताल है, आप भारत में कहीं भी रहते हैं, आप अपने नज़दीक के जिला अस्पताल में जा सकते हैं और वहाँ की मानसिक इकाई में आप कॉन्टैक्ट करेंगे। जब आप वहाँ की मानसिक इकाई में कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको आपकी समस्या के अनुसार, जो भी आप नशा करते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अवेलेबल हैं मेडिसिंस जो आपको दी जाएंगी। और डेफिनेटली अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप अपना नशा आराम से छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी अभी तक जो सेंटर्स में जितने भी नशे के लिए, छुड़वाने के लिए जितने भी लोग आए हैं, उसमें लगभग 99% रिज़ल्ट रहा है। सिर्फ उन्हीं लोगों में रिज़ल्ट नहीं रहा जो खुद ही नहीं आए, ठीक है। तो अब डॉक्टर्स तो आपके यहाँ भी दवा देने नहीं जाएंगे कि ये सेंटर्स खुले हुए हैं तो अब नशा छुड़वाने के लिए भी आपके घर कोई जाए। इसके लिए तो कम से कम आपको तो प्रयास करना होगा कि आपको वहाँ पर आना होगा और वहाँ पर आकर दवा लेनी होगी। बहुत सिंपल सा तरीका है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना है, वहाँ जो पर्चा बनता है पर्चा बनवाना है और सीधा वहाँ पर मानसिक इकाई में पहुंचना है। मानसिक इकाई में पहुंचकर आपको लिंकेजेस भी मिल जाएंगे कि आपको अगर उसके अलावा कहीं और जाना है तो वहां से आपको रेफरल मिल जाएगा और आप आसानी से वहां पर जा सकते हैं। वहां से आपको मेडिसिन, काउंसलिंग सब कुछ अवेलेबल होगी, वहां आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पर आराम से अपना नशा छोड़ सकते हैं और इस बीमारी से या इस नशे की लत से छुटकारा पा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहेगा वो अब हमारा रहेगा पौष्टिक आहार पर, लेकिन पौष्टिक आहार को ये मत समझिएगा कि ये क्या पौष्टिक आहार बता रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। पौष्टिक आहार की बहुत सारी डिफिनेशंस होती हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें इसको डिफाइन किया जाता है, और जहाँ पर युवाओं की हम बात करते हैं तो उसमें इसका एक अलग बड़ा रोल है। तो आई थिंक सो कि इससे संबंधित अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट जरूर करेंगे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।